तो दिस इज द सीक्रेट जहां पे आपको एक्चुअल लर्निंग मिलती है। यू डोंट ग्रो बाय कॉपिंग द एंड प्रोडक्ट, यू ग्रो बाय फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड प्रोडक्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं, किस तरीके से मैं नॉर्मली प्रैक्टिस करता हूं, जिसने मुझे अपने करियर में अपनी जर्नी में बहुत हेल्प किया, अपने ड्राइंग स्किल को अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने में, क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सीखी थी जब मैंने शुरुआत की थी ड्राइंग को सीरियसली, जब मैंने लेना शुरू किया था उस पर काम करना शुरू किया था, किन बातों का मैंने ध्यान रखा था, क्या गलतियां ऑनलाइन जो लोग सीख रहे हैं यूट्यूब वगैरह से, इंस्टाग्राम में छोटे छोटे जो ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के लोग जो सीख रहे हैं उसमें क्या गलतियां लोग कर रहे हैं जिसके कारण उनकी वर्क इंप्रूव नहीं हो रहा है, उन सभी बातों पे आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। हो सकता है थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो जाए, बट बिलीव मी आप अगर इन चीजों को समझ जाते हो तो आपका टाइम बच जाएगा आने वाला, जो आप शायद वेस्ट कर दो, साथ में आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे जिसके ऊपर आप काम करके आगे बढ़ पाओगे। सो प्लीज स्टे टिल द एंड, पे अटेंशन, एंड जो भी चीजें मैं पूछूंगा उसको कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना, आपके सवाल जो भी हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखो वीडियो बनाना, उसको रिप्रेजेंट करना और एक्चुअल में किसी चीज को सीखना, इसमें फर्क है। मैं अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहा हूं, किस तरीके से चीजों को सीख रहा हूं उसको उसमें, और क्या मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूं जिसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो, जिसमें ज्यादा व्यूज आए, वो अलग होता है। ये कॉमन सी चीजें हैं, आपको मैं थोड़ा सा इनसाइड शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। मान लो आप इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम वगैरह में आर्टिस्ट लोग अपने वर्क्स डालते हैं, वो सारे वर्क सुंदर दिखते हैं तभी वो डालते हैं, लेकिन बैकेंड पे वो किन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रोक्स की जो लाइंस लाइन वर्क्स हैं, एंगल्स हैं, क्या स्टडीज चल रही है, वो सारी चीजों को ऑनलाइन डाला नहीं जाता। उसके पीछे ऑब्वियसली लॉजिकल रीजन है कि यार वो अच्छा नहीं दिखेगा तो व्यूज वगैरह नहीं आएंगे, तो मतलब नहीं है फिर ऑनलाइन प्रेजेंट करने का, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं, जो आदमी सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी वीडियो को देख के सीख रहे हो और उसमें एंड का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, मैं भी बहुत सारे वीडियो में एंड पेंटिंग्स दिखाता हूं आपको बनाते हुए, आप पेंटिंग को देखे, अब उस पेंटिंग को बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, ओके। आपने मान लो किसी की वीडियो देखी, टाइम लैप्स वीडियो देखी जिसमें फाइनल एक वर्क बनता हुआ दिख रहा है, फाइनल एक आर्ट वर्क बन रहा है जो फाइनल वर्क है, ठीक है। आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने डायरेक्ट उसको बनाने की कोशिश की, फिर आपसे नहीं बना वो। क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि उसको बनने के पहले जो पर्सन है वो डेली लाइफ में किन चीजों की प्रैक्टिस कर रहा है। कोई भी आर्टिस्ट अपनी प्रैक्टिस के दौरान फाइनल वर्क नहीं बना रहा होता। मैं अगर आज एक पेंटिंग बना रहा हूं, एक पेंटिंग पे काम कर रहा हूं कई महीनों से, जो मैं एग्जीबिशन में लगाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली सिर्फ वो पेंटिंग्स, फाइनल पेंटिंग्स, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को ही बनाता रहता हूं। कभी नहीं। वो पेंटिंग्स एक बार बनती हैं और उस एक बार बनने वाली पेंटिंग से पहले हजारों बार रफ स्केचेस स्केचबुक के अंदर बनाए जाते हैं और वहां पे एक्चुअल लर्निंग होती है। एक्चुअल लर्निंग उस स्केचबुक के अंदर होती है। तो आज आपको थोड़ा सा मैं अपनी स्केचबुक जो डेली मैं करता हूं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो जब मैंने पर्सपेक्टिव के ऊपर प्रैक्टिस शुरू की थी, तो फिर इससे पहले कि मैं पेंटिंग पे डायरेक्टली पर्सपेक्टिव को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं, लैंडस्केप वगैरह बनाते वक्त पर्सपेक्टिव बहुत काम आता है, तो लीनियर पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस मैंने इस स्केचबुक में शुरू की। तो कई महीनों तक मैं लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहा, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर करके देखते रहा कि कहाँ कहाँ पे लीनियर पर्सपेक्टिव, जिसको कहते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसको कहा जाता है, वो कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। तो इस तरीके से मैं स्केचबुक पे कर करके उसके पॉइंटर्स बना बना के अलग अलग जगहों से, अलग अलग किताबों से, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी, जहाँ से जो नॉलेज मिल पाती थी, उसको मैं पहले स्केचबुक पे कर करके देखता था अलग अलग तरीके से। और जब ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई तब जाके फिर मैंने उसको पेंटिंग में अप्लाई किया, तो वहाँ पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड ऑफ कोर्स जब आप पेंटिंग में अप्लाई भी करोगे तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें गलती डेफिनेटली वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन फिर से आप क्या करते हो, फिर वापस आप अपने स्केचबुक में दोबारा रिटर्न आते हो, उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो, अलग अलग चीज़ें सीखते चले जाते हो, उसके बाद फिर से दोबारा अपने
फाइनल वर्क के पास जाते हो और अगेन आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो दिस इज द सीक्रेट जहां पे आपको एक्चुअल लर्निंग मिलती है। जो भी चीजें आप सीख रहे हो यहां पे प्रिंसिपल शुरू होते हैं, यहां पे आर्ट के बेसिक्स, एंगल्स, लाइंस, आपके पेपर, आपके स्केचबुक, जहां पे आप डेली प्रैक्टिस करके नोट्स बना रहे हो, पॉइंट्स बना रहे हो, वहां पे एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने करनी शुरू की थी जिसको सेंटरिंग एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने सीखी इंटरनेशनल आर्टिस्टों से, वो सारी चीज़ें भी मैंने करनी शुरू की। इससे भी काफ़ी ज़्यादा मेरी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आई। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको इंस्टाग्राम पर डालूंगा या फिर कहीं पर डालूंगा तो कौन देखेगा, ना किसी को समझ में आएगा ना किसी को अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड में प्रैक्टिस में हो रही होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें जो मैंने सीखा, इसमें जो मैंने एंगल्स और प्रोपोर्शंस को जज करना सीखा, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करते रहता था। ये अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं एंगल्स के लिए, कर्व्स, ये सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिस कर करके अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंट करता था। ओके, यहाँ पे एंगल प्रोपोर्शन वगैरह जज करना सीखा, उसको फिर जो पेंटिंग बना रहा हूँ, जो आर्ट वर्क बना रहा हूँ, उसमें लगाने की कोशिश की कि कहाँ पे वो फिट बैठेंगी जिससे मेरा आर्ट वर्क और बेहतर होता चला जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप बैकएंड में प्रैक्टिस करते हो। जब एंगल्स, प्रोपोर्शंस, ये सारी चीज़ें सुधरने लगी तो काफ़ी टाइम तक फिर मैंने फिगर ड्राइंग भी किया। ये जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बस एक छोटा सा हिस्सा है मेरी पूरी प्रैक्टिस का। हज़ारों जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई उसको मैंने हज़ारों बार किया। अभी वो पेपर भरे पड़े हैं, मैं आपको किसी वीडियो में अच्छे से स्केचबुक टूर के तौर पे या जो स्केचेज हैं उसके उसको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करते रहता था। अब मान लो मुझे एक पेंटिंग, मैंने एक बार पेंटिंग एक बनाई भी थी एग्जीबिशन के लिए, तो उसमें जो मैंने फिगर बनाया था उस फिगर को बनाने से पहले कई बार मैंने यहाँ पे बनाया कई चीज़ों को। ओके, कई लोग पूछते हैं कि फिगर कैसे बनाएं, क्या करें, तो डायरेक्ट फिगर नहीं बने। जब मैंने एंगल्स को, लाइंस को सीखा, प्रोपोर्शन इंप्रूव हुआ, तो ये सब फिगर धीरे धीरे इंप्रूव होने शुरू हुए। ओके, और ये भी काफ़ी पहले के वर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी मैं काफ़ी वर्क इस तरीके के करता हूँ जो मैं आने वाले वीडियोज़ में और आगे वीडियोज़ में दिखाऊंगा। अभी आप ये समझो कि कैसे मैं चीज़ों को इंप्रूव करता हूँ। मान लो मैंने फिगर पेंटिंग बनाई अपनी कोई पेंटिंग में, फिगर वर्क किया और वो अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 50 पेंटिंग फाइनल वर्क बनाता चला जाऊं, डिटेल करता चला जाऊं। डिटेल उससे कुछ नहीं होगा, डिटेल करते जाओगे हर पेंटिंग में। तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ होती है जहाँ पे आप स्टडी करते हो कि कौन सा एंगल होता है, कहाँ पे बॉडी मूवमेंट होती है, कहाँ पे आप एंगल्स की प्रपोर्शन कितने लंबे होने चाहिए, कौन सा एंगल कहाँ पे आने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें भी मुझे किसी ने सिखाई नहीं, मैंने सीखा, लेकिन मैंने जो चीज़ सीखी, एंगल सीखे, प्रपोर्शन सीखे, उसको उठा के, वो नॉलेज को उठा के मैंने बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस होता है सीखने का, जब वो आप वो सीख जाते हो, प्रिंसिपल्स वगैरह सीखने लग जाते हो, उनके ऊपर फोकस करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके फाइनल वर्क में झलकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम डायरेक्ट फाइनल पेंटिंग देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे और सोचते हैं कि शायद यही, इसी को हम करेंगे तो हम ग्रो हो जाएंगे। एक्चुअल ग्रोथ यहाँ होती है। आप देख सकते हो कि ऐसे ये जैसे मैंने ये दिखाया वैसे भरे पड़े कॉपीज मेरे पास, जहाँ पे मैं कभी कुछ सीख रहा हूँ तो उसके पॉइंटर्स लिखता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या असाइनमेंट्स मुझे करने हैं, क्या एक महीने तक मुझे किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, हर एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इन चीज़ों को मैं करते चले जाता था काफ़ी सालों से और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ जिसके कारण ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाती है, काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो ये पेंटिंग है जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाऊंगा कि कैसे पेंटिंग को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ये पेंटिंग मैंने काफ़ी पहले बनाई थी लाइव, स्टिल लाइव सेटअप करके। तो डायरेक्टली मैंने कुछ डिटेल वर्क पे काम करना शुरू नहीं किया था। आप देख सकते हो ये लाइंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइंस मैंने शुरू किए थे पहले बनाना, ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कॉम्पोजिशन सेट करने के लिए, उसके बाद ब्लॉकिंग करने के लिए कि ये चीज़ यहाँ तक आएगी, ये चीज़ यहाँ तक आएगी। सारी चीज़ों को पहले सिंपल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैंने हर जगह प्लेस किया कि ये चीज़ यहाँ 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 होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखने से अच्छी दिखेगी, सारे एंगल्स को देखा कि कौन किस एंगल में है। इन चीज़ों को प्लेस करने के बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप में जा सकता हूँ। तो ब्लॉकिंग किया, उसके बाद ड्राइंग शुरू की धीरे धीरे कॉम्पोजिशन करने के बाद। और ये सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट जो कैनवस पे आप करने की कोशिश करता हूँ उससे पहले मैंने कई बार इन सब लाइंस, एंगल्स, इन सभी की प्रैक्टिस पेपर पे, स्केचबुक पे रफली करी होती है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप कैनवस पे डिटेल पेंटिंग में जा सकते हो। टर्मिनेटर लाइन खोजा मैंने, जब ड्राइंग हो गई, ब्लॉकिंग हो गए, कॉम्पोजिशन हो गई, तो टर्मिनेटर लाइन देखा, शेडो फैमिली कहाँ पे बन रही है, लाइट्स कहाँ पे आ रही है, उन सब को पहले डिफाइन किया, उसके बाद ही हम फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें आपको शुरू में करते रहनी ज़रूरी है। ये बॉटल की ड्राइंग, ये स्कल की ड्राइंग, ये पेपर की ड्राइंग, ये सब की रफली एंगल्स ड्राइंग्स काफ़ी बार स्केचबुक में मैंने बहुत बार की हुई है। तब जब हम इसको कैनवस पे मैं कर रहा हूँ तब जाके तो कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ ये ऐसा होगा, हाँ ये इस एंगल में होगा। तो काफ़ी बार मेन जो काम है वो डायरेक्ट कैनवस पे नहीं हो रहा, पहले कई टाइम तक ये चीज़ें पेपर पे स्केचबुक पे प्रैक्टिस करी जा चुकी रहती हैं। अब ये स्कल को जब मैंने ड्रॉ किया तो अगर मैं डायरेक्ट इस पेंटिंग में डिटेल ड्रॉ करूँगा तो हो सकता है मैं डिटेल्स बहुत दे दूँ लेकिन स्कल फिर भी सही प्रोपोर्शन में ना आए, गड़बड़ दिखे। तो इसको पहले मैंने काफ़ी बार स्टडी किया अपने स्केचबुक्स में, उसके प्रोपोर्शन को समझा, लूमीज मेथड को कई बार प्रैक्टिस किया, उससे मुझे आइडिया मिला कि साइड एंगल, फ्रंट एंगल, साइड प्लेन, फ्रंट प्लेन कैसा होता है। इन सब चीज़ों को समझने से क्या होता है, आपके वर्क का जो स्ट्रक्चर रहता है, फाउंडेशनल स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रांग रहता है। ओके, उसके बाद फिर मैंने वैल्यू स्टडी की कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क होगी, कितनी लाइट होगी। यहाँ पे मैं कलर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, डिटेल की बात कर ही नहीं रहा हूँ, भूल जाओ कि वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अभी हम सिर्फ फाउंडेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं कि किस चीज़ को कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है। ड्राइंग होने के बाद वो लेवल आता है, ठीक है, ड्राइंग स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन सब हो जाने के बाद ये लेवल आता है। ये पूरे नीचे वाले एरिया को मैंने सोचा कि एक फ्लैट वैल्यू देंगे यहाँ पे, और पीछे वाले पूरे एरिया को, बैकग्राउंड वाले एरिया को फ्लैट वैल्यू देंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल के बारे में मैंने नहीं सोचा था। डिटेल ऐड होता है लेकिन वो बहुत बाद में आता है। ओके, शुरू से अगर आप डिटेल के बारे में सोचोगे तो यूनिटी होती है एक पेंटिंग में जो वो बिगड़ जाती है। ओके, तो इसलिए ये सारे जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं वो एकदम एंड में आते हैं, कलर बहुत बाद में आता है। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल की चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ पे फाउंडेशन होता है, जहाँ पे आर्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इस पेंटिंग में नहीं, हर एक पेंटिंग में, हर एक मीडियम में, ऑयल हो, चारकोल हो या फिर वाटर कलर हो, कुछ भी आप करो वहाँ पे अप्लाई होते हैं। एजेस को देखो, इन दोनों एज को कंपेयर करो। ओके, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं और हम शेड्स ऐड कर देते हैं या कलर ऐड कर देते हैं तो एज भी देखी जाती है कि कौन सी एज शार्प है, कौन सी एज थोड़ी सी ब्लंट है या फिर सॉफ्ट है या फिर लॉस्ट एज है। यहाँ पे शार्प एज आप देख रहे हो इस बॉटल के साइड में, इसको कंपेयर करो इस वाली एज से। ओके, तो ये एज का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और ये एज भी फाउंडेशनल लेवल की चीज़ है। हालांकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है लेकिन ये भी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। यहाँ पे ऑयल पेंटिंग मैं बता रहा हूँ लेकिन ये अगर मैं बेसिक ड्राइंग जो स्टूडेंट सीख रहा होता है, जो बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा था, वहाँ पे इन चीज़ों को सीखता है पहले वो, ताकि वो इन सब चीज़ों को अपनी किसी भी पेंटिंग में इम्प्लीमेंट कर सके। अगर ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप अपने स्केचबुक में रफली काफ़ी बार कर रहे हो तभी जाके आप फ्यूचर में ऑयल करो, वाटर कलर करो या अलग अलग मीडियम करो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर बेसिक फाउंडेशन एंड आर्ट प्रिंसिपल्स। तो जैसे आपको मैंने ये पेंटिंग दिखाई, इस तरीके के कई सारे पेंटिंग्स मैं करता हूँ, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे, जहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह पे मैं शो करता हूँ। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, आप जैसे मैंने आपको ये पेंटिंग दिखाई, वैसे कई सारे पेंटिंग्स आप देखते हो, कई जगहों पे देखते हो, आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये पेंटिंग वो चीज़ नहीं है जहाँ पे हम ग्रो होते हैं। इस पेंटिंग को बनाने से पहले भी मैंने लीनियर पर्सपेक्टिव को काफ़ी बार समझा कि कहाँ पे एंगल, कहाँ पे रास्ते बनाएं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। वैल्यूज़ को समझा कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क रखनी चाहिए, कितनी लाइट रखनी चाहिए। कॉम्पोजिशन को समझा, तब जाके ड्राइंग के लेवल पे समझा, वहाँ पे कलर इस्तेमाल नहीं हुए थे लेकिन उसको समझने के बाद जब मैंने ये लैंडस्केप बनाया तो बेटर रिजल्ट आया। उसके बाद दोबारा गलतियाँ खोजी, दोबारा चीज़ों को किया, दोबारा पर्सपेक्टिव के ऊपर काम किया, एंगल्स के ऊपर काम किया। इसमें ज़्यादा ड्राइंग का पार्ट नहीं था, मतलब बहुत डिफिकल्ट ड्राइंग्स नहीं थी, लेकिन फिगर ड्राइंग्स अगर मैं बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट्स में बना रहा हूँ, तो वहाँ पे एंगल्स का काम आता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का काम आता है, प्रोपोर्शन का काम आता है। तो वो चीज़ें जो आप सीख रहे हो, जहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं हो रहे, जहाँ पे रफ ड्राइंग्स हो रही है, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, खुद को सिखाने के लिए, वो चीज़ें ग्रोथ देती है। ये चीज़ें तो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, ये फाइनल वर्क दूसरों को दिखाने के लिए, हमारा पूरा जर्नी ये एक पेंटिंग दिखा देती है, लेकिन बैकएंड में जो लंबा प्रोसेस है ना, वहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। इसलिए अब से जब भी आप कुछ ऑनलाइन देखो या फिर खुद भी जब प्रैक्टिस करो, तो सिर्फ ये माइंडसेट मत रखना कि ये मैं बना रहा हूँ, इसको बना के मुझे अपलोड करना है, या फिर इतना सुंदर होना चाहिए, या फिर किसी का फाइनल वर्क देख लिया, मुझे भी ऐसा ही बनाना है। उसके पीछे की कहानी को सीखो, उसके पीछे क्या मेहनत है, उसके पीछे कहाँ स्टडीज चल रही है, कहाँ पे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं, कैसे एंगल जजमेंट चल रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर को बनाना सीखा जा रहा है, वो सारी चीज़ें सीखते चले जाओ।
तो अब से जब भी आप अपने वर्क को ग्रो करने के ऊपर काम कर रहे हो तो समझना कि उसके प्रिंसिपल्स, उसके ड्राइंग लेवल पे आप अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई पेंटिंग भी कर रहे हो, अगर आप कोई मीडियम भी सीख रहे हो, तो पहले आपको उसके फाउंडेशनल लेवल पे उसके एंगल्स, उसके लाइन, उसके प्रोपोर्शन, उसके वैल्यू, उसके ड्राइंग के लेवल पे काम करना जरूरी है। अगर आप फिगर स्टडी कर रहे हो तो उसके एंगल, उसके प्रोपोर्शन लेवल पे आप स्टडीज कर रहे हो कि नहीं अपने स्केचबुक में। अगर आप वैल्यू स्टडी कर रहे हो, अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, तो आप डार्क और लाइट की स्टडीज पहले कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने स्केचबुक के लेवल पे। वो सारी चीजें करनी आपको पहले जरूरी। अगर आप लाइफ स्टडीज कर रहे हो तो पहले आप स्टिल लाइफ को स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो लाइटिंग के साथ। वो सारी चीजें आपको पहले अपने स्केचबुक लेवल पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका फाइनल वर्क इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ फाइनल वर्क के ऊपर फोकस करते रहोगे, उसी को प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो ऊपर ऊपर लेवल पे आप करोगे, आपको थोड़ा बहुत ठीक भी लगेगा, बट वो कभी भी एक्चुअल में वो रियलिज्म नहीं आएगा, एक्चुअल में वो वॉल्यूम नहीं आएगा, एक्चुअल में वो 3D रिप्रेजेंटेशन उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा, और आप उसके ऊपर फिर बिल्डअप नहीं कर पाओगे, अपने आर्ट वर्क को नेक्स्ट लेवल पे ले जा नहीं पाओगे जब तक आपका बेस लेवल स्ट्रांग नहीं है। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, अपने पुराने कुछ स्केचबुक दिखा के, जो चीज़ें मैं करते आया हूँ इतने सालों से, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने ट्रेनिंग भी बनाई है हाल ही में। उन सभी चीज़ों को अपने इतने कई सालों के एक्सपीरियंस को कंबाइन करके, जो भी मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्टों से सीखा है, जो भी मैंने पेड ट्रेनिंग्स को लेकर सीखा है, जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान, काफ़ी टाइम तक मैंने इन चीज़ों पर रिसर्च करके बहुत एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, फेल हुआ, सीखता गया फिर भी, और बहुत सारी चीज़ें सीख सीख के क्लियर हुई कि हाँ इसको इस तरीके से करना चाहिए था, जिसके कारण मुझे फील हुआ कि इससे ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और ये सिर्फ मैंने खुद में नहीं, करीब 6 सालों से मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, वहाँ पे कईयों स्टूडेंट को मैंने ये चीज़ें बताई हैं और उनके वर्क में भी ग्रोथ देखी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करते आया हूँ इतने सालों से, जिसने मुझे और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रोथ दी है, उसके ऊपर मैंने अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग बनाई है, ताकि जितने भी लोग हैं वो जो फाइन आर्ट्स की फील्ड में आना चाहते हैं, इसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने बेस के लेवल पे स्ट्रांग होना चाहते हैं, उन सभी को ये ट्रेनिंग मिल सके। तो ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप इस फील्ड में सीरियस हो तो, एंड अगर आप हॉबी के तौर पे काम कर रहे हो तब भी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ग्रो करने में। आपको डेली कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डेली कौन सी ट्रेनिंग, डेली कौन से स्टेप को किस तरीके से फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें डिजाइंड है। ये आपके टाइम स्पैन को काफ़ी कम कर देगा, कम समय में आप टाइम को वेस्ट न करते हुए मेन चीज़ों पर पहले फोकस कर पाओगे और उस हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे। तो ड्राइंग मास्टरी अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके ईजिली ज्वाइन कर सकते हो। कोई अगर डाउट हो, कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें भी आप ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हो। अगर आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस समझ में ना आए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वीडियो भी डाल दूंगा आई बटन में, जहां पे मैंने बता रखा है कि ड्राइंग मास्टरी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी प्राइवेट कम्युनिटी भी है फेसबुक में, जहां पे सारे स्टूडेंट्स जो इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं, वो अपने वर्क डेली बेसिस में प्रैक्टिस करके शेयर करते हैं और एक दूसरे से फीडबैक लेते हुए अपने आप को ग्रो करते हुए चलते हैं। तो बहुत एक स्ट्रांग कम्युनिटी यहाँ पे हम बिल्डअप करके चल रहे हैं, जहाँ पे जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं और जितने भी आर्ट के लवर्स हैं, जो आर्ट में ग्रो करना चाहते हैं डीप लेवल से, इनसाइड आउट, अंदर के लेवल से ड्राइंग और फाउंडेशनल लेवल से एडवांस लेवल तक, नो डाउट मैंने ट्रेनिंग के पार्ट में एक्सरसाइजेस रखी हैं, बट एडवांस लेवल की चीजें भी रखी है, जहां पे आप डिटेल्स में जाते हो, शेडिंग के लेवल पे जाते हो, क्लासिकल वे में शेडिंग कैसे करनी है, उन सारी डिटेल्स में भी जाते हो, बट वो एक लेवल के बाद आती है, स्टेप बाय स्टेप होता है, शुरू से ही आप डिटेल्स आपको नहीं सिखाया जाता, एक स्टेप के एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो चीजें आती हैं। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिजाइंड है, और ताकि आप ग्रेजुअली इंप्रूव करो, ऐसा ना हो कि आप कुछ चीजें पहले कर रहे हो जिसके कारण आपका टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो जल्दी सीखने को मिलता है। यही चीज मैंने अपने इस जर्नी में एक्सपीरियंस की है कई मास्टरों से सीख के, और इसलिए मैं चीजों को सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल होते हैं मेरे फेसबुक के पेजेस पे, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में, या इंस्टाग्राम के मैसेजेस में, या फिर वहां पे वीडियोस के कमेंट्स में, जहां पे भी आपके सवाल आते रहते हैं, मैं उनको लेके वीडियोस बनाता रहूं, ताकि और आप लोगों के सॉल्यूशंस में निकाल सकूं। अभी भी अगर आपको कोई सवाल हो इस वीडियो के बाद, या मेरे कुछ पिछले वीडियोस में, या फिर कोई भी आपके आर्ट रिलेटेड कोई डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन ला सकूं। एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डू बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड स्टार्ट ग्रोइंग, टेक केयर, लव यू ऑल।